हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉम्पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, टाटा ने फाइनली अपनी मच अवेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी कार टाटा नेक्सॉन को इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है। एंड अगर आपके मन में कोई सी भी डाउट है इस कार के बारे में, तो आई होप वो सारे डाउट आज की वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कार में आने वाले फीचर्स, इस कार की स्पेसिफिकेशन, इस कार के प्राइस एंड इस कार में आने वाले वेरियंट्स की। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इस कार में आने वाले एक्सटीरियर चेंजेस की। अब मैं इस कार को फेसलिफ्ट बोलूं या एक न्यू जनरेशन कार बोलूं नेक्सॉन की, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कंपनी ने इस बार इस कार में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। ये कार अब फेसलिफ्ट से बढ़कर एक न्यू जनरेशन कार लग रही है। बात करी जाए इसके एक्सटीरियर चेंजेस की जो इसमें किए गए हैं, अब इस कार में आपको LED DRL देखने को मिलेंगे विद LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो इस बार आपको इस कार में फुल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको हेडलैम्प के नीचे फॉग लैम्प एंड कॉर्निंग लाइट का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप मॉडल में आपको फ्रंट में ही 360 डिग्री कैमरा एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर का फीचर भी देखने को मिलेगा। एंड इसके जो न्यू LED DRL दिए गए हैं, वो ही इसके इंडिकेटर का काम भी करते हैं। तो गाइस, फ्रंट लुक से ये कार बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रही है एंड आई थिंक अभी तक की सबसे बेस्ट लुकिंग कार मुझे लग रही है इस सेगमेंट की। अब बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, बट एक चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो है इसके न्यू अलॉय व्हील का सेटअप, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस कार में अभी भी आपको 4 disc ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अगर 4 disc का ऑप्शन आता तो मजा आ जाता गाइस कार में। डायमेंशन वाइज कार में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, बट हाँ, लेंथ में आपको थोड़ी चेंजेस जरूर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसका बूट स्पेस अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अब इस कार में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छा बूट स्पेस है। गाइस, बात करें कार की रेयर प्रोफाइल की, तो लोगों को इससे जो पहले की जनरेशन आती थी उसके रेयर प्रोफाइल में से काफी ज्यादा कंप्लेन रहती थी, बट अब इस न्यू जनरेशन या न्यू फेसलिफ्ट में कह सकते हैं रेयर प्रोफाइल को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब इसमें आपको कनेक्टिंग टेल लैंप का फीचर देखने को मिलेगा एंड इसी के बीच में इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी की गई है। इसके साथ साथ अब इसके रेयर बम्पर को भी चेंज किया गया है एंड रेयर लुक काफी कार का काफी ज्यादा इन्हांस हो गया है, तो अब ये रेयर से भी देखने में उतनी ही ज्यादा अच्छी लग रही है जितना इसका फ्रंट प्रोफाइल है। तो गाइस, बात करें इस कार में मिलने वाले कलर ऑप्शन की, तो अब ये कार 6 नए कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में आई है। अब इसमें जो कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे प्योर ग्रे, फ्लेम रेड, टिटोना ग्रे, प्रिस्टाइन व्हाइट, क्रिएटिव ओशियन एंड फेयरलेस पर्पल। अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट कलर ऑप्शन की बात करूं, तो मुझे इसका प्योर ग्रे एंड फ्लेम रेड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की एंड सबसे ज्यादा जो आई कैचिंग चीज है ना इस कार की, वो है इसका इंटीरियर। अब इस कार में आपको 2 spoke स्टेयरिंग व्हील्स देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सेंटर में आपको इल्यूमिनेटेड स्टाइल में टाटा का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि काफी कूल लग रहा है देखने में। इसके साथ AC कंट्रोल पैनल को भी टच बेस कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं कार की प्रीमियमनेस को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा इस कार में आपको 10.2 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ये वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको पहले हैरियर नेक्सॉन डार्क एडिशन में देखने को मिलता था। इसके अलावा इस बार आपको 10.2 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इस कार में देखने को मिलेगा एंड इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफी सादा पर्सनलाइज्ड फीचर्स दे दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना मैप भी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हैं। तो ये भी एक काफी कूल फीचर है जो इस कार में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी इस कार में आपको मिलेंगे, जैसे कि 6 airbag आपको बेस मॉडल से ही दे दिया गया है। इसके अलावा TPMS, ABS, हिल अलर्ट असिस्ट, ABD, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ ये कार आने वाली है, बिकॉज इस बार कंपनी ने इसके स्ट्रक्चरल सेफ्टी के साथ साथ इसकी पैसिव सेफ्टी में भी ध्यान दिया है। इस बार इस कार में आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस भी काफी इन्हांस मिलने वाला है, बिकॉज ये कार अब 9 स्पीकर विद सबवूफर के साथ आने वाली है। तो इस बार इस न्यू फेसलिफ्ट में आपको कैबिन एक्सपीरियंस भी बिल्कुल नया मिलने वाला है, बिकॉज इस बार इसके कैबिन में आपको न्यू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। सो गाइस, बात करें इस कार में मिलने वाले वेरिएंट्स की, तो ये कार टोटल 4 वेरिएंट्स के साथ आएगी, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फेयरलेस। इसके अलावा इनके सब वेरिएंट भी होंगे एंड सनरूफ का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट से दे दिया गया है, जो कि आपको इनके सब वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस कार के इंजन ऑप्शन की, तो ये कार 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। पावर फिगर्स में भी थोड़ी बहुत एनहांसमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये कार अब आपको 5 गियर, 6 गियर एंड 7 गियर ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। 7 गियर ट्रांसमिशन इसके टॉप मॉडल फुली ऑटोमेटिक DCA में आपको देखने को मिलेगी।
सो गाइस अब फाइनली बात करते हैं इस कार की प्राइसिंग की। वैसे तो कंपनी ने इसके प्राइस अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके प्राइस कहीं ना कहीं 9 लाख टू 14.5 लाख एक्स शोरूम तक जाएंगे। इसकी ऑफिशियली बुकिंग 4th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी एंड अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके इसकी बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा ये कार 14 सितंबर को लॉन्च होगी एंड वी आर होपिंग कि इसका ईवी वेरिएंट भी आपको 14 सितंबर को ही दिखने को मिलेगा। सो गाइस ये कार टाटा के लिए एक गेम चेंजर कार हो सकती है एंड टाटा नेक्सॉन दोबारा से इस सेगमेंट को रूल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।